शिक्षा चाहिए या राम मंदिर चाहिए? शिक्षा चाहिए। राम मंदिर से किसी को क्या मिला? क्या मिलेगा नहीं? क्या मिला? क्या राम मंदिर बन गया, मंदिर में लोग जाएंगे, है ना, दान चढ़ाएंगे, वापस आएंगे, श्रद्धा है। शिक्षा से क्या होगा? देश के सभी बच्चे पढ़ेंगे। आप देख लें यहाँ पर कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, G20 से पहले कितनी झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने उठवा दिया सिर्फ G20 के लिए। वो लोग जितने गरीब थे उन सभी को उठवा दिया, उनका क्या रहा? सिर्फ 4100 करोड़ लगा दिए और G20 सबमिट कर दिया, और क्या कुछ भी नहीं हुआ, एक भी डिसीजन नहीं लिया गया। परेशान हुआ, हाँ, गरीब आदमी परेशान हुआ, बच्चे परेशान हुए, बिल्कुल बहुत। अब दिल्ली में गवर्नमेंट है केजरीवाल की, जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ के स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्टेट में, हम पंजाब से हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल की, मैंने एक साल लगाया गवर्नमेंट स्कूल में, पहले मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत होती है। बच्चे बंक मारते हैं, उनको टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ाते नहीं है, है ना, उनको उनकी उनकी खुद कितने काम होते हैं, गवर्नमेंट को काम में लगाई रखी है। कभी कहते हैं इलेक्शन करवाने, इलेक्शन का काम करो, कभी कभी कोई काम आ जाता है इलेक्शन को, टीचर फोन लेके क्लास में घूमते हैं, है ना, क्योंकि फोन पे सारा काम करना होता है। गवर्नमेंट को काम में लाई रहती है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, है ना, बच्चे क्या करते हैं, है ना, वो ये सीखते हैं हमें वोट डालनी है, हमने उनको वोट डालनी है, बस उनको यही सिखाया जाए। अच्छा, कह रहा है कि राम मंदिर नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। क्यों? बच्चा कह रहा है, आपने बहुत जोर देर के बोला, अभी मैच्योर होने दो, पता लगेगा राम मंदिर क्या होता है और शिक्षा क्या होता है। राम मंदिर फायदा नहीं नजर आ रहा उसको।